यहाँ पे हो गया मैं लंच टाइम स्टार्ट करने जा रहा है भाई। ये वो नदी है जहाँ पे राम जी नहाया करते थे। हेलो गाइस, क्या स्वागत करते हैं, बहुत ही अच्छे हो गए, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से न्यू ब्लॉग पे। और आज के इस एपिसोड पे हम लोग जाने वाले हैं अपने गांव, मतलब अपने गांव नहीं जा रहे हैं हम, दूसरे मतलब किसी थोड़ा अपने मौसी के गांव जाने वाले हैं। वहाँ पे हमारे अमर भैया की शादी है, तो वही सेलिब्रेट करने के लिए हम अब गाँव जाने वाले हैं। फिलहाल ये रही हमारी मम्मी, मैं और मम्मी जाने वाले हैं गाँव, और ये हमारे पापा और ये हमारा छोटा सा भाई, ये लोग रहेंगे घर पे, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, ललिता दीदी, ब्रिजेश भैया और भी कुछ अंकल पंकल, मामा मामी। तो हम लोग चश्मा कंपटीशन कर रहे हैं, बताओ किसका चश्मा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पापा का या मेरा। मैं ये पापा का चश्मा, ये पूछता कि कौन अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ वही ज़्यादा सही रहता। तो कौन अच्छा लग रहा है देख रहे ना, पापा अच्छा लग रहा है कि बेटा अच्छा लग रहा है। हाँ पापा अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा लग रहा हूँ, बताओ भाई कमेंट करके, कमेंट करके बताना। ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, और नाउ ये रही मम्मी, मेरे पापा बैग टांग रखा है मैंने, इसमें क्या है, मैं इसमें बोतल से पानी की, जिससे कि रास्ते में पानी की बोतल से ना लेनी पड़े, क्योंकि पानी की बोतल्स महंगी बहुत कॉस्टली भी ज़्यादा होती हैं, और बाहर का पानी कौन बार बार रुक के खरीदे, इसलिए हम लोगों ने घर से ही पानी ले लिया। थैंक यू अंकल, बाय अंकल, हम जा रहे हैं, ख्याल रखना अपना, बाय तो कर दो, अरे हाथ से बाय करो, हाथ से बाय करो, हाँ ये है ना बात। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए मामा के यहाँ, और ये है वो स्कॉर्पियो जिसमें हम जाने वाले हैं। मीट हमारे नाना जी चश्मा पहन के, मतलब मेरा वाला चश्मा पहन लिया है, बताओ कैसे लग रहे हैं। अब हम आप तीन लोगों के बीच में कंपटीशन हो गया, मेरे पापा और नाना। नाना से करो ये लाइक करो, लाइक लाइक करो, लाइक हाँ, सब्सक्राइब बोलो, सब्सक्राइब और शेयर, हाँ कर देना गाइस, ठीक है। नाना ने बोल दिया, अब सच में नहीं खुलता अंकल, चश्मा लगा के बैठने के बाद ऐसे कहोगे गेट नहीं खुलता है, सच में नहीं खुलता। और गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर, नाउ यहाँ पे हो गया मैं लंच टाइम स्टार्ट, हम एक ढाबे में आ गए। सो यहीं पे हम लोग ने जलेबी मंगवाई है और अब इसी को खाने आ रहे हैं। तो अभी तक के ट्रिप के बारे में मैं कुछ कहूँगा तो वो है, बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, क्योंकि गाड़ी में मज़ा ही क्या आता है यार, और फिर थोड़ा मैं सो भी गया था बीच में। सो नाउ एक और स्टॉप हम लोग रुके हैं, और भाई यहाँ का व्यू देखो गाइस, यहाँ का व्यू चेक करो आप लोग, इतनी ज़्यादा हरियाली, चश्मा देख लूँ कहीं यार सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है भाई, गजब हरियाली यार, गजब हरियाली। यहाँ पे कुछ फोटोज़ खींच रहे थे गाड़ी खड़ी करके, यहाँ पे हमें एक और भैया मिले जो कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे स्टॉप इन्होंने मारा, रुको आ रहे हैं बस फोटो भैया खींच दें। देखो पहाड़, हम फाइनली चित्रकूट करने जा रहा है, अभी हम लोग अमर भैया के यहाँ ना जाते हुए पहले हम चित्रकूट धाम जाएंगे, पहले आप लोगों को चित्रकूट धाम के दर्शन कराएंगे। Hey guys, so now हम लोग पहुंच चुके हैं
चित्रकूट धाम। सो गाइस, ये वो नदी है जहाँ पे राम जी नहाया करते थे। देखो देखो देखो, ऑसम प्लेस गाइस, ऑसम प्लेस। भैया नहाने का मन कर रहा सच में मेरा तो। मामा नहा लूँ क्या? पागल है क्या? अरे नहा लेते हैं, हैं? नहा ले क्या अंकल? हैं? अरे यार नहा लेते हैं। दिमाग खराब है, कौन सी दिख रहा नहाता हूँ? ये सीढ़ी है बस। ओके गाइस, थंबनेल ले रहे, थंबनेल थंबनेल ये थंबनेल थंबनेल ले रहे, फोटो ले रहे बढ़िया। ओके गाइस, सो नाउ यहाँ पे हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए रुक गए थोड़ी देर। वो घाट है पानी वाली जहाँ पे हम लोग नहाए, और ये रहे गोलगप्पे, और ये रहे हम प्याज लेंगे। प्याज हाँ सब डालो। ये क्या मतलब, हाँ ये क्या है, हम खुद डालेंगे? ये कैसा प्रावधान है, हमारे यहाँ तो खुद डाल के देते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, नाव में। ओके गाइस, सो नाउ वी आर इन बोट। बोलो सिया रामचंद्र की, बोलो चित्रकूट धाम की। पावन चित्रकूट, सो फाइनली हम लोगों ने बोट की सैर कर ली है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया बोट को चलाने में। थैंक यू टू अंकल, इतनी ज़्यादा हमें मज़े दिलाने के लिए, थैंक यू अंकल। सुनो अब हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट धाम। ये था वो जगह जहाँ पे क्या कहते हैं वो, क्या नाम है, राम जी नहाया करते थे, क्या नाम है जगह का, राम घाट। और फिलहाल जा रहे हैं हम लोग चित्रकूट धाम।